टोक्यो डिज्नीलैंड एक थीम पार्क है जो कि वर्ल्ड फेमस वॉल्ट डिज्नी की फिल्म्स पर बेस्ड है और टोक्यो डिज्नीलैंड वन ऑफ द बेस्ट डिज्नीलैंड की कैटेगरी में आता है। टोक्यो डिज्नीलैंड को फर्दर 7 थीम पार्क में डिवाइड किया गया है जिसमें हर उम्र हर किसी की पसंद का ख्याल रखा गया है, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो। हर एक थीम पार्क का अपना एक कल्चर शो होता है और शाम को एक बहुत ही जबरदस्त परेड होती है जो कॉमन होती है। डिज्नीलैंड का मैप आपको एंट्रेंस पे ही मिल जाएगा जिसे लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ये प्लान करना होगा कि आपका कौन सा थीम पार्क है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है या फिर जिसकी राइड आप ज़रूर ही इंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहती है। तो अगर आप पहले पहले ही अपनी फेवरेट राइड्स कर ले, शाम को लोग और भी ज़्यादा आने लग जाते हैं।素晴らしい。それでは始めていきましょう。ミュージックスタート。डिज्नीलैंड के अंदर एंटर करते ही फर्स्ट थीम पार्क जो कि वर्ल्ड बाजार है वो मिल जाएगा, जहां पर आप डिज्नीलैंड और डिज्नी से रिलेटेड अलग अलग करेक्टर की चीज़ें खरीद सकते हैं जैसे कि सोवनियर्स, टी शर्ट, हैट्स और बहुत कुछ। और बेस्ट पार्ट ये कि हर एक थीम पार्क का अपना जो है रेस्टोरेंट है, अगर आप घर से कुछ नहीं लाए हैं तो आप वहाँ पर आराम से बैठ के खा सकते हैं। हाँ, ये सारे रेस्टोरेंट थीम बेस्ड होते हैं पर काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते हैं। नेक्स्ट थीम पार्क है टुमारोलैंड। ये थीम पार्क जो है बच्चों को बहुत पसंद आता है जिसमें स्पेस से रिलेटेड और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड राइड्स होती हैं जो काफ़ी टीनेजर्स लोग बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग लगती हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे छोटे बच्चे टून टाउन में। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उन्हें टून टाउन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। टून टाउन में बच्चों के लिए रिझाने के लिए हर तरीके की अट्रैक्शन है। मिकी माउस हाउस है, डोनाल्ड डक बोर्ड है, ट्री हाउस है और ऐसी राइड्स हैं जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लगती हैं। फिर आता है गर्ल्स के लिए फैंटेसी लैंड जिसमें आइकॉनिक सिंड्रेला कैसल है, जहाँ पे माइंड ब्लोइंग लाइट शो होता है जो कि क्लोजिंग सेरेमनी होती है डिज्नीलैंड की। फिर स्नो वाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, पीटर पैन, तो डिज्नी मूवीज़ पे काफ़ी चीज़ें बेस्ड हैं इसके अंदर। फैंटेसी लैंड डिज्नीलैंड की एक यूनिक अट्रैक्शन है। सिडर कंट्री के अंदर स्प्लैश माउंटेन लॉग राइड है और उसके अंदर गाइड आपको रिवर ऑफ अमेरिका जो उन्होंने बनाई है उसमें लेके जाता है। वेस्टरलैंड की बात करते हैं। ये हमारा फेवरेट था जिसमें रोलर कोस्टर बिग थंडर माउंटेन राइड थी जो हमें बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग और मज़ेदार लगी थी, तो काफ़ी एक्साइटिंग था हमारे लिए। फिर सातवें नंबर पे है एडवेंचर लैंड जिसमें जंगल क्रूज जो है सबसे ज़्यादा फेमस है। अब अगर आप डिज्नीलैंड के लिए अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो है ट्रिप काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज जाएगा और आप मैक्सिमम टाइम जो है झूले झूलने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए कि पार्क खुलने से पहले ही आप वहाँ पे पहुँच जाएँ और आपके पास ऑनलाइन टिकट अगर आपने ले रखी हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि टिकट खरीदने के लिए भी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन हो, तो पहले ही प्लान कर लीजिए कि आपको कब जाना है, ऑनलाइन टिकट खरीद लीजिए इंस्टेड कि आप पार्क में जाके जो है उसी वक्त टिकट खरीदें। हमेशा अगर आप मंडे से फ्राइडे को प्लान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सैटरडे संडे को जो है लोकल लोग भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो दो दो तीन तीन घंटे जो है एक झूले की राइड में लाइन में खड़े होने में ही निकल जाता है। होती है परेड बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है, पर इसका ये एक और बेनिफिट भी है, अगर आपको परेड्स देखना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो वो बेस्ट टाइम है राइड्स करने का क्योंकि 70% ऑफ द क्राउड जो है वो परेड देख रहा होता है, तो झूलों में भीड़ कम हो जाती है और परेड क्योंकि शाम को होती है तब तक लोग थक भी चुके होते हैं, तो उस टाइम जो है अगर आप राइड्स जो करना चाहते हैं बेस्ट टाइम होता है फटाफट जाके राइड करने का।
पर आप परेड को अगर मिस नहीं करना चाहते तो वो भी बहुत अच्छी होती है, तो आप आराम से रिलैक्स करके अपने पॉपकॉर्न खाइए और परेड देखिए। और जो इसकी मोस्ट फेमस अट्रैक्शन होती है क्लोजिंग सेरेमनी, वो सिंड्रेला कैसल में क्रैकर शो होता है, जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है।